वेलकम गाइस, टाइपिंग के दूसरे ट्यूटोरियल में। पहली वाली वीडियो आई होप मैंने जो बनाई थी आप लोगों ने अच्छी तरह देखी होगी, ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक इसमें डाल दिया है। दूसरी जो वीडियो है हमारी सेकेंड है, उसमें हम जो सीखेंगे वो भी हम होम रो के ही बारे में सीखेंगे। जो अपर रो है, होम रो से ऊपर वाली रो को हम अपर रो कहते हैं, बॉटम वाली को बॉटम रो कहते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में ये नहीं बताया क्योंकि ज्यादा चीजें मैं बता दूंगा तो आप उसको याद करने में ही अपना टाइम व्यतीत कर देंगे, ना कि प्रैक्टिस करने में। तो धीरे धीरे ही मैं आपको चीजें बताऊंगा ताकि आप धीरे धीरे उनको समझते चले। अब हम बात करेंगे आज, जैसे कि उस दिन हमने ASDF स्पेस और JKL कॉलम स्पेस की प्रैक्टिस करी थी, आज हम प्रैक्टिस करेंगे शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग में दोस्तों टाइपिंग में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप शिफ्टिंग को समझ गए तो आपकी जो टाइपिंग है वो 90% आपने टाइपिंग समझ ली। क्योंकि शिफ्टिंग में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एच प्रेस करना है, यहां पे आपके पास एच प्रेस करने के लिए दोनों की दोनों फिंगर्स के पास सेम डिस्टेंस है, बट आपको एक रूल सेट करना है कि जिस बटन को प्रेस करना है एक ही फिंगर को उसको एलोकेट कर देना है, दूसरी फिंगर को वहां पे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाई है, वाई को ऑलवेज इसी फिंगर से राइट हैंड की फिंगर से ही प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये वाली फिंगर नहीं जानी चाहिए, आपने इनके घर को बांट देना है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की तरह बांट देना है बिल्कुल ही। तो उस तरह आप उस पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी होती है, माइंड की मसल होती है, मसल मेमोरी होती है, उस पर डेवलप हो सके किस कीज की पोजीशन कहां पर है। क्योंकि आप 6 दिन के बाद जब आप टाइप करेंगे 50-45 की, जब आपकी स्पीड हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक छोटी सी मेमोरी अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। आइए अब शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपने सिंपल ही होम रो पे इस तरह फिंगर प्रेस कर लेनी है, उसके बाद आपने जो प्रेस करना है ASDFG SPACE HJKL SPACE, उसके बाद जब दूसरी बार जब आपने प्रेस करना है सारी कीज को ASDF SPACE JKL SPACE और ये सिंगल भी आपने इसको आप इसमें लास्ट में जो आप इसको इंक्लूड करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा को भी आप कर लेंगे इसमें इंक्लूड, कुछ इस तरह। और सबसे मेन बात जो इस एक्सरसाइज की जो मेन बात है दोस्तों, वो ये है कि जो भी आपने कीज प्रेस करनी है, मूवमेंट करनी है, उसके बाद आपने अपनी ही जगह पे उंगलियों को वापस ले आना है। जैसे एच में मैंने प्रेस किया, यहां से वापस इसको प्रेस किया, यहां से वापस। स्टार्टिंग में आपको जो ये फिंगर्स हैं आपकी लास्ट की, ये दोनों फिंगर्स हैं, इनकी मूवमेंट काफी कम मिलेगी क्योंकि रोजमर्रा के कामों में हमारी ये फिंगर्स कभी भी यूज नहीं होती है, 90% इनका यूज नहीं होता है, मोस्टली ये दो फिंगर्स और ये थंब का यूज होता है। इसलिए ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो जाएंगी। तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको और भी आगे बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 6 वीडियो में आपकी टाइपिंग की पूरी स्पीड बढ़ा देंगे 0 से हीरो।